जी। सबसे पहले बताइएगा कि हाउ इज द जोश और कैसे देखते हैं इस चीज को। देखिए, पहली चीज तो ये जम्मू कश्मीर अवाम और जम्मू कश्मीर के लोग की मैंडेट है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंडेट नहीं है, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं और उस हिसाब से मैं और यहाँ पूरी तंजीम बहुत खुश है। यहाँ पे इस वक्त सेलिब्रेशन हो रही है, कैसा माहौल है थोड़ा सा बताइएगा। और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कैंपेनिंग में, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। देखिए, पिछले 7 साल यहाँ के लोगों को दबाया गया है, पहली बार लोगों की जोश आगे आ रही है। कहाँ देखा है आपने ऐसे जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाज को आगे लाया गया है और वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने मुख्तलिफ जगहों पे स्पीच भी की, लोगों से मिले भी आप, लोग क्या चाहते थे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, एक झूठ फैलाया गया था पूरे मुल्क में कि जम्मू कश्मीर के लोग जो 2019 में उनके साथ किया गया वो उसके साथ बहुत खुश हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कि वो अपनी आवाज आगे डाल पाए, पर नहीं डाल पाए। हमारे नौजवान अभी जेल में सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि अपनी आवाज आगे डाल पाए और मरकज ने ये बिल्कुल उनके हिसाब से नामंजूर था। आज पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम की जो आवाज है वो आगे लाई गई है और उस हिसाब से बहुत खुश। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उमर साहब सीएम बनेंगे? वो वक्त ही बताएगा जनाब। अभी आपकी ज़ाती मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, वो वक्त ही बताएगा। तंजीम और अलायंस के जो लीडर हैं वो तय करेंगे, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेक्टेशंस क्या है यूटी में, हम जो है मैंडेट मिला है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है, लोगों के तवक्कात जो है क्या उस पर पूरी उतरेगी? देखिए, जो मैंने पूरे कैंपेन में बोला, लोगों का हक, लोगों ने अभी अपना जो अपनी हुकूमत है वो चुनी है। दिस इज द पीपल्स गवर्नमेंट, दिस इज द पीपल्स चॉइस। यूनियन गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट इट, दे शुड गिव बैक स्टेटहुड सो दैट द वॉइस ऑफ द पीपल विच इज द गवर्नमेंट नाउ कैन फुलफिल देयर रिप्रेजेंटेशन। सो दिस विल नॉट बी अ यूटी फॉर लॉन्ग, वी विल फाइट फॉर इट। एमपी के इलेक्शन हाल ही में हुए, हमने देखा कि उमर साहब वहां हार गए और इस दफा दोनों जगहों से उमर साहब ने जीता और इतना बड़ा मैंडेट, तो ये जो कुछ ही दिनों में ये तब्दीली आई, इसको किसको कहते? देखिए, लोगों को पता चला कि ये जो सेंटर में दिल्ली में बैठे हैं ये इनकी साजिश थी। लोगों को पता क्या चला कि इनके साथ क्या खेल खाल की गई। इसे देखिए, जो शख्स पार्लियामेंट में जीते और कितने कितने नंबर से जीते, वो आज उनका क्या हाल है। थैंक यू।